आप लोगों को अधिकतर लोग जो लोग हैं मेरा नाम जानते ही होंगे, सुमंत कश्यप नाम है। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सारे से रिलेटेड मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ। ऐसे एक जनरल आज क्वेश्चन आंसर सेशन वास्तु के रिगार्डिंग सोचा कि रखा जाए, कुछ लोगों से वास्तु आधारित बातचीत हो जाएगी। तो कोई एक टॉपिक जिनको लगे या कुछ पूछना है तो उसको स्टार्ट कीजिए, उस पर जो मुझे जानकारी होगी बताऊंगा, एक एक करके पूछिएगा। उत्तर पश्चिम के कोने से बताइए क्या हुआ, उत्तर पश्चिम के कोने से जो कोई परेशानी होती है उससे रिलेटेड जैसे कुछ बीमारियां। परेशानी से नहीं है ना, आपको ये क्वेश्चन पूछिए परेशानी क्या है, फिर उस पर डिस्कशन होगा। उत्तर पश्चिम से क्या आती है वो अलग चीज है। ज्यादातर बीमारियां और एक जो घर में है ना, जो कुछ लोग कहते हैं हमें डर लगता है घर में, उससे संबंधित है। बीमारी की जहां तक बात है तो घर में जो 16 दिशाएं होती हैं सबका संबंध होता है बीमारियों से, क्योंकि वो सभी किसी न किसी बॉडी पार्ट्स को बताती हैं। जी सर। लेकिन अब मेनली बात करें तो घर में जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट NNE जोन होता है जी सर, वह यदि वीक है या वहां पे वास्तु दोष है तो क्या होता है कि बीमारी से जो लड़ने की हमारी अपने शरीर की इम्यूनिटी है, दवा से जो बेनिफिट लेना है वो नहीं मिल पाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आप सोते कहाँ हैं, आपका बेडरूम कहाँ है। यदि जो साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन है वहां पे बेडरूम है तब भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हैं। शरीर की प्रकृति आपकी वात पित्त कफ शरीर की प्रकृति है, या फाइव एलिमेंट आप समझते हैं, वाटर का, फायर का, एयर का, हर एक आदमी के शरीर में पांचों एलिमेंट होते हैं, लेकिन कोई दो एलिमेंट ज्यादा होते हैं बाकी तीनों कम होते हैं। अब सपोज कीजिए कोई वाटर एलिमेंट का जाता है और वो फायर के जोन में रहता है तो हमेशा एक वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, एक खींच वाला, एक वो ना खुल के गुस्सा हो पाएगा और ना रोक पाएगा, वो वाली स्थिति हो जाती है। अब पार्टिकुलर इसमें भी अब हमें ये देखना है कि किस बीमारी के लिए आप बात कर रहे हैं, या सिंपली ऐसा होता है कि कुछ घरों में लगातार बीमारियां आती जाती रहती हैं। तो जो साउथ ईस्ट की एंट्री होती है घर में, साउथ ईस्ट की, और एक साउथ साउथ वेस्ट का SSW, तो ऐसी स्थिति में अधिकतर देखा गया है कि किसी न किसी वजह से बीमारियों पे, दवाओं पे पैसे का आना जाना लगा रहता है, मतलब किसी न किसी कारणवश पैसे आपके खर्च होते रहते हैं। समझ में आया राज वर्मा जी? जी सर। अब यहाँ पे ओवरऑल देखना होता है, ओवरऑल से मतलब कि क्या हर एक, जैसे मैंने आपको कहा कि 16 दिशाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे सपोज कीजिए जनरली साउथ ईस्ट में हम बोलते हैं किचन बनाना चाहिए, ठीक है, किचन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन किचन में जो हम गैस चूल्हा रखते हैं ना, तो जो रैक होता है, स्लैब होता है, यदि उस पर ब्लैक कलर का स्टोन लगा हुआ है तो लेडीज में जो वहाँ खाना बनाती हैं, उस घर में रह रही हैं, उनको सिस्ट से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हैं जी? जी जी सर। तो ये हर एक जोन पे जाएगा तो जाके, लेकिन अल्टीमेट हम एक NNE जोन और एक नॉर्थ ईस्ट जोन, ये दो जोन इम्पोर्टेंट हैं, इसको यदि आप सही रखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई मेजर इशू नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा विशेष जो लाइलाज वाली बीमारी की बात हम करें, संभवतः ईश्वर कृपा से, बाकी आदमी तो भगवान नहीं है ना कि ऐसा 100% बोल दे, जिनको मरना है उसी से, कैंसर से भी लोग मर जाते हैं ना, जिनको कैंसर से ही मरना है, जिनको बुखार से ही मरना है, कोरोना से बहुत से लोग एक महीना एडमिट होके भी बाहर चले आए हॉस्पिटल से ICU में के बाद भी, और बहुत से लोग 2 दिन में ही मर गए। तो जिनको जिस विधि से जाना है तो उस चीज को हटा दीजिए, मतलब जीवन और मृत्यु पे कोई कंट्रोल नहीं, बाकी बीच की जो स्थितियां हैं, तो यदि NNE और NE ये दो सही है तो जनरली बीमारी सीवियर नहीं बनती है। और एक होता है मर्म स्थान, घर के नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसे ही इमेजिन कीजिए जैसा आपका घर है और एक आदमी उल्टा लेटा हुआ, यानी पेट के बल जैसे हम सोते हैं ना,
जी सर पेट के बल सोते हुए इमेजिन कीजिए कि हमारा सिर नॉर्थ ईस्ट में है, पैर साउथ वेस्ट में। तो जो हमारा सिर से लेके और रीढ़ वाली जो हड्डी होती है, जी सर, फिर मेन हड्डी पैर की हो गई, घुटना हो गया, एंकल हो गया, फिर ये कोहनी हो गया, ये वाली। तो ये जब मर्म स्थान डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर उस बॉडी पार्ट्स में वास्तु दोष होते हैं। समझ में आया? जी सर। जैसे तो किसी को सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मान लो आप नॉर्थ ईस्ट में कुछ आपने हेवी सामान रख दिया या कहीं कील वगैरह नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया कुछ भी, या ऐसी जगह पे आपने बोरिंग लगवाया जिससे मर्म स्थान हीट हो गया, तो फिर क्या है कि आपको सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। तो सर ये फ्लैट में भी लागू होता है सर, मर्म स्थान हो रही है? हर एक जगह पे लागू होगा, फ्लैट भी तो घर ही है ना। नहीं सर, फ्लैट में तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होता है, तो ऐसा उसमें भी? मर्म स्थान की जो बात है, आप नया फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मान के चलिए कि मर्म स्थान में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मर्म स्थान जब हिट होता है तो 99% केसेस में वो काम बंद हो जाता है। कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ दुर्घटना हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। यानी बना बनाया घर आप ले रहे हैं तो उस समय तक मान के चलिए कि मर्म स्थान में कोई समस्या नहीं हुई है। अब आप जब उसमें अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं, जी बताइए सर, लेडीज को जो पेडू का भाग बोलते हैं, जो नाभि के नीचे का भाग होता है, पर्टिकुलर वहीं पर हर महीने पेन रहता है, तो उसके लिए कौन सा स्थान घर में देखना चाहिए? नाभि से नीचे का जो हिस्सा, एक तो सबसे पहले लेडीज को हेल्थ प्रॉब्लम है। एक मिनट पहले रुक जाइए, मैं थोड़ा इनका राज वर्मा जी वाला क्लियर कर दूं। तो नया घर जैसे आप लिए, बना बनाया, तो उस समय आप मान के चलिए कि वहां पे मर्म स्थान हिट नहीं हुआ, यानी मर्म स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। मर्म स्थान का समझने का मतलब, जैसे अपने शरीर को ही सोचिए ना, कि ऐसे नाजुक पॉइंट्स, जैसे मान लो हम कहीं चलते रहते हैं, अचानक घर में ही ये कोहनी का ये वाला हिस्सा दीवार में जैसे ही लग जाता है, थोड़ा सा लगता है, ऐसा लगता है पूरा करंट शरीर में चला गया, समझ रहे हैं? तो ऐसे यही वास्तु पुरुष का मर्म स्थान होता है। तो नए घर में कोई समस्या नहीं है कि मर्म स्थान हिट हुआ है, पहला पॉइंट। सेकंड, जब आप उसमें अपने सामान का अरेंजमेंट करते हैं, तो जैसे कुछ भारी सामान है, मान लो डबल डोर वाला फ्रिज हो गया, या आप कहीं कोई कील वगैरह लगाते हैं, कुछ भी ड्रिल करते हैं, और उसके तुरंत बाद समस्या हो जाए 1, 2, 4, 5 दिन के अंदर में, तो इसका मतलब उस एक्टिविटी से मर्म स्थान डिस्टर्ब हो गया, तो उसको तुरंत अब निकालिए। जैसे कहीं आपने ड्रिल किया, या बिजली का मीटर लगवाया, कुछ भी लगवाया, और उसको करने के बाद ही पता चला कि किसी पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में समस्या चालू हो गई, तो इसको तुरंत वहां से रिमूव कीजिए। फायदा हो गया, थोड़ा सा रिलीफ। अब बीमारी हो गई तो डॉक्टर से मिलना है, ये अनिवार्य है जी सर। उसमें अब ये वास्तु और ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना, मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बीमारी स्टार्ट तो पहले डॉक्टर से मिले, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन रखें कि आपने घर में कुछ नया क्या किया और फिर किस किस बॉडी पार्ट्स में अचानक से समस्या चालू हो गई, तो वो मर्म स्थान के कारण होता है, वो भी हेल्थ का एक प्रॉब्लम है। जी सर। क्लियर है? जी सर। अब आते हैं अजय राज सिन्हा जी के प्रश्न पे। नाभि के नीचे पार्टिकुलर दर्द वाली स्थिति है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यदि उस घर में रहने के बाद से हुई है, क्या बोलिए अजय सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सॉरी, हाँ मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूं। तो वास्तु के हिसाब से मैंने मकान बनाया, नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है, साउथ ईस्ट में किचन है, और ये मैं अभी साउथ वेस्ट में सोया हूँ, नैऋत्य में, तो वो सब पर्टिकुलर। लेकिन साउथ ईस्ट में जो किचन है उसमें ESC में, ईस्ट साउथ ईस्ट में उनका प्लेटफॉर्म पूरा ब्लैक प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट का था, और चूल्हा जो होता है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में था, तो उनको ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने ग्रेनाइट का ग्रीन स्टोन एग्जैक्ट जो गैस का जो बर्नर होता है उसके नीचे रख दिया, तो प्रॉब्लम कम हो गई। लेकिन अभी एक नाभि का प्रॉब्लम, नाभि के नीचे और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर का जो भाग होता है वहां पर उनको हर महीने कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है। गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया, सोनोग्राफी कराया, दवाई भी रहती है, 80% कम हो जाता है, फिर अगले महीने उसी टाइम पे होता है। और ये अभी देखिए, जैसे आप क्वेश्चन कहने से सोने
सोने का पार्ट जो है ना वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, वो आपने अभी बोला ना तब मुझे ख्याल आया, उनका जो सिर आता है वो साउथ साउथ वेस्ट में आता है। अब देखिए जैसे आपके क्वेश्चन करने से पहले अभी उनका इंदिरा जी का ही जो हम क्वेश्चन ले रहे थे तो उस टाइम ही हमारी जो डिस्कशन, मैंने क्या बताया था कि हेल्थ पूरे 16 दिशाओं से देखी जाती है, जिसमें एक ये भी है कि यदि साउथ ईस्ट में आपका ब्लैक आ गया कलर जहाँ पे किचन है वहाँ, तो लेडीज को प्रॉब्लम होगा। अब आपके घर में ESE में वो प्लेटफॉर्म है जिसपे गैस चूल्हा रखते हैं, तो वहां पे ब्लैक कलर है क्या? पूरा प्लेटफॉर्म ग्रेनाइट का ब्लैक ही है साउथ ईस्ट में, ESE से लेके साउथ ईस्ट कॉर्नर में पूरा। हाँ। बड़ा है किचन 10x20 का है, डाइनिंग रूम से अटैच है। तो अब यहाँ पे एक बात समझिए, यही जो बात है जनरली लोग समझ नहीं पाते, बात इसमें ये है आप सिंपल सोचिए, साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर अभी भी मौजूद है। वो तो है, ठीक है। आपका साउथ ईस्ट में किचन से कोई समस्या नहीं है, गैस चूल्हे की जो आपने रेमेडी की कि गैस चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर डाल दिया, तो गैस चूल्हा वहां प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना? हाँ वो नहीं है। वहां प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक ग्रेनाइट। उस ब्लैक ग्रेनाइट को आप रिमूव जब तक नहीं करेंगे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा मेरे अपने प्रैक्टिस में 3-4 घरों में दिख चुका है, जिसमें एक तो कंसल्टेंट नहीं करवाया था, बाकी वो उन लोगों ने अपना यूट्यूब देखा था और उसके अकॉर्डिंग कर लिया था। तो यहाँ पे हम जनरली ये परसेप्शन सोचते हैं कि ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ यहाँ किचन है, ये प्रॉब्लमेटिक है। किचन नहीं प्रॉब्लमेटिक है, वो ब्लैक प्रॉब्लमेटिक है। आप जब तक उसको रिमूव नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं होगा। पहला केस वहां वो रिमूव ही कराना होगा, वहां से हटाना ही होगा। ओके। और दूसरा जो साउथ साउथ वेस्ट में आपका उनका सोने का जो पोजीशन आ रहा है, तो कुछ ऐसा करें कि कम से कम ये सिर वाला हिस्सा है ना आधा, ये बॉडी ये या तो साउथ वेस्ट में हो जाए या फिर साउथ में हो जाए। ओके। या तो कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए SSW। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखिए मैं और जोड़ना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आप अधिकतर लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु एस्ट्रो वास्तु जानते होंगे। जनरली जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स बेची जा रही है उसमें ये प्रचारित किया जाता है कि अरे वास्तु कुछ नहीं, एस्ट्रो वास्तु करो, हर एक का दो आदमी के लिए एक जैसा वास्तु नहीं हो सकता, तो फिर ये है तो SSW में भी बेड हो सकता है। ये सब फिजूल बेकार की बातें हैं। एक आप सामान्य तौर पर सोचिए कि जैसे हम एक डॉक्टर हैं, 100% का हमने ट्रीटमेंट किया, 99 सही हो गया, एक मर गया, तो हमारे लिए वो एक नंबर है, लेकिन जिसका मरा उसके लिए क्या है? पूरी दुनिया है ना उसकी, उसकी तो खत्म हो गई, सीधी सी बात है। अब यहाँ हम जो किसी को ऐसे बेवकूफी पूर्ण करें कि हाँ आठवां भाव SSW को बताता है, अब किसी का 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि का है या लग्न का है तो वो जाके वहां पे सो जाए, तो ये मूर्खता की बात है। एस्ट्रो वास्तु एक लोकेशन बताता है, एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रो और वास्तु के मिलाने से जो एक फॉर्मेशन बना और जिसको आप कस्टमाइजेशन कर सकें वही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये एक लगी पड़ी है कि हाँ नहीं दो आदमी दो जुड़वा भाई जब एक जैसा नहीं हो सकते दो वास्तु कैसे एक जैसा हो सकता है, दोनों भाई खाना खाते हैं कि नहीं खाते, ऑक्सीजन लेते कि नहीं लेते, कि एक नाइट्रोजन ले लेगा, बताइए ऐसा तो है नहीं कि एक ऑक्सीजन लेगा दूसरा नाइट्रोजन ले रहा है? जी सर। तो ये सब ऐसे उन चीजों में नहीं जाना, वास्तु कंप्लीटली यदि वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 100% वर्क करता है, और यदि वास्तु आधारित प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर वास्तु से थोड़ी रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो इसलिए आपके मतलब आपने जो प्रॉब्लम बताया अजय जी उसके हिसाब से एक तो जो ब्लैक कलर है वो प्रॉब्लमेटिक है और दूसरा साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम जा रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? यस मलिक जी आपका है तो बताइए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है पेमेंट ब्लॉक में ब्लॉक के रिगार्डिंग। सर थोड़ा सा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी। हेलो आपकी आवाज नहीं आई यस जी, फिर से बोलिए। सर पेमेंट ब्लॉकेज के लिए क्या कर सकते हैं? किस चीज के लिए? पेमेंट ब्लॉकेज। पेमेंट ब्लॉकेज है यही ना पूछा आपने, पेमेंट ब्लॉक है उसके लिए क्या करना?
यस जी, आपका लग रहा है नेटवर्क स्लो है, यही क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, उनका यही क्वेश्चन था, पेमेंट ब्लॉक है उसको ग्रोथ के लिए क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल बातों को समझना है। जैसे जनरली पेमेंट ब्लॉकेज का है तो ट्रेडिशनली वास्तु एकदम साउथ ईस्ट में दौड़ते हैं, जाइए साउथ ईस्ट में दौड़ने से कुछ होगा नहीं। सबसे पहले हमें अपने नेचर को जज करना है कि हमारी नेचर किस प्रकार की है। साउथ ईस्ट हमारे नेचर को बदल नहीं देगा, ठीक है। जन्मजात हर एक आदमी का ईश्वर के तरफ से कुछ चीजें मिली हुई है, उसका अपना नेचर मिला हुआ है, उस शरीर का जो एक प्रकृति है वो मिली हुई है, सोचने समझने की प्रकृति मिली हुई है, समझ रहे हैं। तो हम किसी के देखा देखी ऐसा काम नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये कहें कि हाँ मेरा भाई जो है वो शेयर मार्केट का काम कर रहा है, मुझे भी वो नॉलेज है, मैं भी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो एक्शन डिसीजन वो ले रहा है, जिस टाइमिंग पे ले रहा है, वो सारे मैटर करते हैं। एक दूसरा आदमी उधार पे काम कर रहा है, उसके पैसे वापस चले आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते? उसकी क्या डीलिंग है, आपकी क्या डीलिंग है, ये डिपेंड करती है। यानी यदि आप किसी से उधार मांगने में संकोच करते हो, जैसे आपने पैसा दे दिया और आप मांग नहीं रहे हो, आपका नेचर नहीं आ रहा, उसको क्या लगेगा, कैसा सोचेगा, तो आप दुनिया का कोई रेमेडी कर लोगे, आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको अपने काम का तरीका बदलना होगा, समझ रहे हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें उधार, जैसे एक मेरे क्लाइंट रायपुर के थे, उनका स्पेयर पार्ट्स का दुकान था, वो जब मिले मेन प्रॉब्लम उनका यही था कि पैसे फंसे हुए, जो आदमी लेके जाता है फिर दोबारा नहीं देता। मैं बोला आप मांगते हैं तो मैं मांग नहीं पाता, मैंने कहा आप उधार देना बंद कर दें। उनका प्रश्न ये आया कि मैं उधार बंद कर दूंगा तो सेलिंग नहीं होगी। मैं बोला आप 100 रुपये का सामान सेल करते हुए 120 रुपये में ये 20 रुपये फायदा होगा, और वो पूरा उधार चला गया तो कंप्लीट डूब गया ना, क्या मिला? इसलिए आप नगद बेचो और 100 का 105 में ही बेचो, काम खत्म, कोई उपाय नहीं। और आप नहीं मांग पाते हो तो आप अपनी जगह पे एक स्टाफ हायर करो जो वो पैसे जिनको दे दिया उनको मांगे। क्योंकि काम का, जब तक आप अपना वर्क प्रोफाइल नहीं बदलेंगे, काम का नेचर नहीं बदलेंगे, तब तक वास्तु से रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम वास्तु आधारित उपाय पे आ जाते हैं। मतलब यश मलिक जी, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका नेचर कैसा है ये डिपेंड करेगा किसी भी स्थिति पे। क्योंकि एक चीज और प्रैक्टिकली आप समाज में देखिएगा, एक आदमी 10 लोगों से पैसा कर्ज लिया हुआ है, वह वैसे आदमी का कर्ज जल्दी चुकाएगा जो ब्याज देता हो, या वह गाली गलौज करने वाला आदमी हो, उसका पैसा वो जल्दी चुका देगा। आपने ब्याज पे भी उसको नहीं दिया और आप उससे कुछ नहीं टोक रहे हैं तो आपको लास्ट में रखेगा, आपसे क्या बोलेगा, अरे देखो ना उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है, वो बाजार में ही रोक लेता है, वो गाली गलौज पे उतर जाता है, उसका मैंने दे दिया। यानी जो ब्याज ले रहा है और गाली गलौज पे उतर जा रहा है, उसका पैसा वो पहले दे दिया, और आप उससे रेस्पेक्ट से पेश आ रहे हो, आप उससे ब्याज भी नहीं ले रहे हो, तो आपको अब सबसे लास्ट में रखा है। तो ये ह्यूमन नेचर है, समझे। अब आपके घर का वास्तु लोगों के नेचर को नहीं बदल सकता। आप कितना भी अच्छा वास्तु करके अफगानिस्तान में घर बना लोगे तो तालिबान का माइंडसेट नहीं बदल जाएगा, क्लियर है ना। तो ये चीजें दिमाग में डालनी होगी। अब हम वास्तु के अकॉर्डिंग आते हैं। पैसा फंसा हुआ है, आ नहीं रहा है, तो नहीं आने की बात है तो नॉर्थ जोन सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी सबसे पहले हमें नॉर्थ को चेक करना होगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। फंसा है पैसा, सही है, तो वो आ तो नहीं रहा है ना, तो इसलिए आ नहीं रहा है तो सबसे पहले हमें नॉर्थ को चेक करना होगा। अब नॉर्थ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नॉर्थ है वाटर एलिमेंट का, तो उसके जो दुश्मन है यानी अर्थ एलिमेंट है और फायर है, ये प्रॉब्लम करते हैं, और वहां पे एयर एलिमेंट भी प्रॉब्लम करता है। अब एयर एलिमेंट कैसे करेगा? नॉर्थ ऑलरेडी वीक है और वहां पे एयर आ गया तो वह उसको और वीक कर देगा ना, और कमजोर कर देगा। तो इस स्थिति में भी पैसे फंसे रहेंगे, यानी वो आ नहीं पाएंगे।
जब नॉर्थ सही है तो इसके बाद हमें फायर पे जाना होता है, यानी फायर को देखना होता है। यस मलिक जी आवाज आ रही है ना? यस सर। मैंने बताया कि पहले नॉर्थ को चेक कीजिए, नॉर्थ में येलो कलर यानी अर्थ एलिमेंट और फायर एलिमेंट, ये दोनों तो नहीं है। सेकंड, यदि नॉर्थ जोन यदि वीक है और फिर वहां पे प्लांट्स है या ग्रीन कलर है तब भी वह प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक कमजोर आदमी को और कमजोर कर दिए, समझ रहे हैं? अब आपके यहाँ नॉर्थ में यदि घर का मैप बनाओ तो प्रॉपर नॉर्थ जोन में बताइए कि क्या है, कैसा है। किचन है सर। नॉर्थ में किचन है तो सबसे पहले आपको अपने किचन की रेमेडी करनी होगी। किचन की जब रेमेडी करेंगे, ग्रीन स्लैब क्या हुआ? नीचे सर ग्रीन स्लैब लगा रखा है। और पहले से क्या लगा हुआ है? पहले से उसमें जो टाइल्स लगा था पूरा टाइल्स ग्रीन है या सिर्फ गैस चूल्हे के नीचे ग्रीन है? नहीं सर, सिंपल स्लैब है, उसके नीचे मैंने ग्रीन पेंट कर दिया, सिर्फ चूल्हे के नीचे ग्रीन पेंट किया हुआ है। सर पेंट से काम नहीं चलेगा, ग्रीन कलर का जो बरोडा स्टोन होता है ना उसको लेना होगा। ठीक है, वो उसको लगाइए। उसके बाद आपको वहां पे मैप के थ्रू देखना होगा कि वो जोन वीक है कि नहीं। यदि जोन वीक होगा तो फिर उसको एक्सटेंड करना होगा, व्हाइट कलर का यूज करना होगा, व्हाइट लाइट जलानी होगी, ब्लू लाइट भी जला सकते हैं। ठीक है, स्काई ब्लू कलर क्या हुआ? स्काई ब्लू कलर है। हाँ ठीक है, उसके बाद यहां से फिर शिफ्ट होते हैं फायर में, यानी फायर के तरफ में वाटर एलिमेंट होगा तब भी पैसे की समस्या बनेगी। यानी फायर के जो जोन्स हैं उसमें मिरर हो गया, कोई भी शीशा हो गया, साथ ही साथ वाटर का एलिमेंट हो गया, पानी हो गया, बोरिंग हो गया, ब्लू कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ESE जो जोन है, ये जोन है एक्चुअल में आपका एयर का, लेकिन इस जोन में वाटर के एलिमेंट आने पे फायर नहीं बन पाता। ESE जो जोन है ना वो ट्रांजिशनल जोन है, यानी एयर को बदलता है फायर में, तो इसलिए इस यहाँ पे यदि ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है और वाटर है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हैं? बोलिए भुनेश जी आपका क्वेश्चन। हाँ सर, जैसे कि कोई अपने परिवार में घर के सदस्यों के वैचारिक मतभेद होते रहते हो, यानी एक रूपता नहीं रहती हो, और बच्चे जिद्दी प्रवृत्ति ज्यादा के हो, तो किस जोन के कारण ऐसा होता है? अब परिवार में एक रूपता नहीं है, मतलब फैमिली मेंबर्स के बीच में, बच्चों की बात कर रहे हैं या फैमिली मेंबर जो बड़े लोग हैं उनके बात कर रहे हैं, ये बताइए। फैमिली मेंबर की पहले, तो फैमिली मेंबर के लिए दो जोन रेस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और दूसरा होता है साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट। हाँ ENE क्या करता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है वो फन एंड रिक्रिएशन का है, मतलब एक सेलिब्रेशन का है, उत्साह और उमंग का है। उस जोन में डिस्टर्ब होने के बाद क्या है कि छोटी सी बात भी, कोई हंसी मजाक भी यदि किया जाएगा तो उसको एक बड़ा सा ईगो बना लिया जाता है फैमिली में। हाँ। और इसके कारण बात बिगड़ जाएगी। अब ENE में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ENE में यदि टॉयलेट है या किचन है, टॉयलेट है तो कम्प्लीटली खराब है, किचन है तो थोड़ा सा एक खींचतान वाली स्थिति चलती रहेगी। यदि वह जोन कटा है या वीक है और उसके बाद फिर किचन है तो समस्या बढ़ जाएगी। बाकी सभी घर में यदि अलग कलर है और ENE वाले में व्हाइट है तो प्रॉब्लम होगा, और यदि पूरे कंप्लीट घर में व्हाइट है तो सही है। फिर ENE में यदि रेड कलर या कोई स्टोरेज या फिर अर्थ एलिमेंट है तो प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हैं? हाँ सर। यानी ENE
पहली भूमिका निभाता है फैमिली मेंबर्स के बीच में प्रॉब्लम करने। दूसरे नंबर पे आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में हमें फ्लोर लेवल को भी देखना होता है। यदि घर का फ्लोर साउथ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में और वेस्ट वाले हिस्से में, यानी उसी तरफ स्लोप है, वो नीचा है, तो प्रॉब्लम आएगी। घर का स्लोप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के तरफ होना चाहिए। लेकिन यदि स्लोप आपका साउथ वेस्ट में है तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है। साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का गड्ढा या पीट, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ये उस जोन को डिस्टर्ब कर देता है। और यदि उस जोन की एंट्री है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इस कारण भी समस्या हो जाती है। क्लियर है? हाँ सर। साउथ वेस्ट में रेड कलर जब होगा तो लोगों का जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा होगा। जैसे आप दो भाई हो तो आप सोचोगे कि मेरा भाई हमको ज्यादा करे, आपका भाई सोचेगा कि आप उसको ज्यादा करें, यानी वो ज्यादा उम्मीद के कारण परिवार बिखरने लगता है। जो रेड, ऑरेंज और पिंक कलर होता है ना, तो वही ऑरेंज या पिंक कलर यदि साउथ वेस्ट में चला गया तो एक्सपेक्टेशन के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और फिर परिवार बिखर जाता है। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। और ये सर, बच्चे, छोटे बच्चे जो जिद करते हैं ना, उसका क्या कर रही है? कौन से छोटे बच्चों का जिद? एक तो जनरली बच्चों का बाय डिफॉल्ट नेचर है जिद करना, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यदि जैसा है और एक पालन पोषण का भी है, जैसे मान लो आजकल लोग अपना ध्यान हटाने के, मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अरे हम काम में बिजी है, न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, पकड़ा देते हैं। अब मोबाइल जब दे दिए तो बच्चे, वो उनकी परवरिश ऐसी हो रही है कि मोबाइल का और टीवी का ऐसा इफेक्ट आता है कि वो नेचर हो जाता है। उसके लिए तो फिर काम करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई ये कहे कि अरे आप ऐसा वास्तु करो कि हम सोए रहें, खाना बन के मुँह में आ जाए। अरे ऐसा वास्तु आप बताइए कि हम बच्चे पर टाइम ही ना दें। बच्चे क्या, उनको सिखाना है ना कि कैसे आपका वे ऑफ लिविंग है, कैसे रहना है, बोलचाल क्या तरीका है, उसको खेलने का, वो सारी चीजें। लेकिन हम अपने आप को, अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो जा रहे हैं, बच्चे को छोड़ दिया घर पे, नौकरानी है, नहीं है, टीवी देख रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, मोबाइल गेम्स खेल रहा है, तो ये सारे उसके परवरिश पर निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इससे आप नहीं बच सकते। अब इसमें सिर्फ आप वास्तु देख के नहीं काम कर सकते, समझ रहे हैं ना? सबसे पहले इस चीज को चेक कीजिए। लेकिन यदि ओवरऑल ये सारी चीजें सही है तो फिर घर का जो ई एन ई जोन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां पे बच्चे का एक फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपका रिफ्रेशमेंट का है, फन एंड रिक्रिएशन का है। बच्चे क्या फन पसंद करते हैं, खेलना, घूमना, एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो वहां पे बच्चे का खिलौना रखा रहे, वहां पे वो बैठे, तो धीरे धीरे वो उसका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज और देखना होगा कि घर का जो एस एस डब्ल्यू जोन है, ESC है और WNW है, यहाँ पे तो वो बैठता नहीं है या यहाँ पे तो सोता नहीं है। यदि ऐसा होगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, बच्चे में जिद की भावना उसके व्यवहार में देखने को मिलेगा। बराबर बराबर। लेकिन बच्चे वाले मामले में सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि पहले ये देखिए कि क्या उसकी परवरिश कैसे की जा रही है। अब पूरे दिन बच्चा मोबाइल देखे, कोई घर का फैमिली मेंबर्स उससे बात ना करे, घुले मिले नहीं, तो सिर्फ आप वास्तु और ज्योतिष को दोष नहीं दे सकते। बराबर। क्या है? हाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन है बोलिए। सर, जैसे आपका एक मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, यानी आपने उसमें बताया था कि अगर घर में किसी के हेल्थ का इशू हो तो अपने को नॉर्थ ईस्ट, है ना, ईशान कोण में भगवान धन्वंतरि की फोटो लगानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बोला था या उसमें बोला था आपको, एनएनई में बोला था? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यानी तो मैंने इस चीज को फॉलो किया मेरे खुद के घर पे, मेरी मदर का क्या अस्थमेटिक है, और मैंने इसको फॉलो किया था वास्तविक अर्थों में। ये सप्ताह भर से इसमें रिजल्ट आया है, सप्ताह भर, यानी मैंने 15 दिन पहले ये किया है फॉलो। अरे उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है,
तो ये मैंने बताया, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं, मैंने बताया बस उससे आपको फायदा मिला। अरे वैसे बात नहीं है, नहीं सर, मैंने कहने का मतलब, हाँ भले ग्रंथ में, लेकिन सर आपने जो अपने यूट्यूब पे डाला उसके बाद मैंने इस चीज को फॉलो किया, ये कह रहा हूँ सर। बहुत अच्छा किया आपने, सही है। और यस मलिक जी का क्वेश्चन है कि ईएससी का और साउथ ईस्ट का पेमेंट ब्लॉकेज में क्या रोल है। वही तो बताया मैं, आप शायद आपका नेटवर्क खराब था इसलिए आप नहीं सुन पाए। ईएससी में, ईस्ट साउथ ईस्ट में यदि वाटर का एलिमेंट है, यानी ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, पानी का कोई रिसोर्स है, तो क्या होगा, पेमेंट फंसेगा, ब्लॉक हो जाएगा। साउथ ईस्ट जोन यदि वीक है या फिर वहां पे ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, वाटर का एलिमेंट है, तब भी आपका पेमेंट फंसेगा। और दूसरा, यदि आपकी अपनी कुंडली होगी, किसी से उसका एनालिसिस करवाइए, वहां पे यदि 5, 8, 12 भाव को रिप्रेजेंट वाले करने वाले ग्रहों की यदि दशा चल रही होगी, तब भी आपके पैसे फंसेंगे। यानी ज्यादा यदि समस्या है तो फिर कुंडली से भी आप दिखवाइए, किसी की मदद लीजिए कि क्या है, कैसा है, फिर उसके अनुसार आप काम कीजिए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है या समाप्त किया जाए इस मीटिंग को? हाँ सर, और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर समाप्त किया जाए। सर सर, लास्ट दो क्वेश्चन। आप बोलिए। पहला क्वेश्चन तो ये मेरी से रिलेटेड बताएं कि जैसे बच्चों में विवाह में देरी होती है तो वो किस जोन के कारण। दूसरा ये होता है कि जैसे शादी हो जाती है लंबे टाइम बाद चाइल्ड्स वगैरह होती है, संतान उत्पत्ति। ये दो देखिए ऐसे हैं जो शादी में देरी, एक तो सबसे बड़ी बात दोनों के लिए, मैं यहाँ पे प्राइमरी तौर पे यही कहूंगा कि इसके लिए कुंडली का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि शादी के जब योग बनेंगे आपकी कुंडली में, दशाएं अंतर दशा जब सपोर्ट करेगी तभी हो सकता है, समझ रहे हैं। दशा और अंतर दशा, सातवें भाव का प्रॉमिस है या नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे तो कुंडली का सबसे अहम रोल है। लेकिन यदि वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यदि रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके वाटर एलिमेंट में प्रॉब्लम है। यदि बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो फिर एयर एलिमेंट में प्रॉब्लम है। और यदि बात आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ पाने से मतलब कि किसी एक स्टेज पे जैसे रिश्ता आया, थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, उसने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन अब जब फाइनल होने पर है तब कट गया, तो फायर में प्रॉब्लम है। और विवाह फिक्स हो के कट जाता है तो फिर वो अर्थ का प्रॉब्लम है, ये वास्तु आधारित हो गई। वैसे ही संतान की हम बात करें तो संतान रिलेटेड प्रॉब्लम और संतान से प्रॉब्लम, माने संतान नहीं है इसके कारण आप प्रॉब्लम में है, और संतान है और उसके कारण आप प्रॉब्लम में है, संतान से कोई समस्या है, दुख है, तब भी नॉर्थ ईस्ट जोन सबसे पहला होता है। नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरा आता है ईएनई जोन, और तीन नंबर पे आता है थर्ड में ईएनई के बाद साउथ ईस्ट जोन। समझ में आई बात? हाँ सर, हाँ। साउथ ईस्ट जोन, और गर्भ यदि नुकसान हो जाता है तो फिर साउथ वेस्ट में भी चलना होगा। ठीक है, लेकिन ये मान के आप चलिए कि ओवरऑल ये ऐसे प्रॉब्लम है कि पूरे वास्तु को देखना होगा, यानी आपका एंट्रेंस कैसा है, फाइव एलिमेंट कैसा है, क्योंकि फाइव एलिमेंट एक चैनल है, आप एक साइकिल कहो, साइकिल है, या जैसे आप देखते हैं जो साइकिल का चेन होता है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बीच का एक टुकड़ा आप निकाल दो तो क्या होगा, टूट गया ना वहीं से। जो फाइव एलिमेंट का साइकिल है, बीच का कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो या कोई डायरेक्शन डिस्टर्ब हो तो आगने अगले जो जोन है उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। okay. यही बात बिल्कुल सर।
यस मलिक का क्वेश्चन है कि ईस्ट यदि एक्सटेंडेड है और वहां ग्रीन कर दिए तो और ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा, इससे क्या होगा, लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं हो पाएगा, लोग आपसे बेनिफिट लेंगे यार। ये तो फिर आज इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन।